हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 21 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आज के बाद आपको डेली जो हमारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे इसके साथ ही साथ जो हमारी सारी पीडीएफ होंगी और करंट अफेयर्स के कुछ को आप कुछ के माध्यम से आसानी से प्रैक्टिस कर सकेंगे saraagyan.com वेबसाइट से। ये मेरा एक नया वेबसाइट है जो कि मैंने बनवाया है, तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ कुछ के माध्यम से आप अपने करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारी जितनी भी पीडीएफ होंगी अब आपको saraagyan.com वेबसाइट पर मिलेंगी। इसके अलावा मैंने एक आज नई करंट अफेयर्स की मैगजीन लॉन्च की है जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 तक यानी कि पिछले एक साल के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले जो हमारी मैगजीन थी उसमें जो क्वेश्चन थे रैंडमली थे, मिक्स थे, अब आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि सारी योजनाएँ एक साथ, सारे पुरस्कार एक साथ, खेल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन एक साथ, नियुक्तियाँ एक साथ, चर्चित महिलाएँ, चर्चित व्यक्ति अवार्ड 2019 में पहली बार क्या हुआ, सभी निधन सूचकांक, रैंक, रिपोर्ट, इंडेक्स बुक्स, सभी समिट सम्मेलन, सभी 2019 के फार्मूला वन रेस तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे रेलवे करंट अफेयर्स, बैंकिंग करंट अफेयर्स, 2019 के सभी महत्वपूर्ण दिवस और थीम, इन सब से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं अब आपको इस मैगजीन में मिल जाएंगे। तो ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में है यानी कि ई बुक है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पर पहुँच जाएगी। इसका प्राइस है मात्र 55 रुपीज़ और ये हमारा प्रॉमिस है कि अगर आप इस मैगजीन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएं इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसमें आपको 1500 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी सभी टॉपिक वाइज। आप इस मैगजीन को गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे की सहायता से भी इस नंबर पर पेमेंट करके खरीद सकते हैं। अगर आपका इस मैगजीन के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमको इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, जेल प्रशासन में वर्दी युक्त महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है। तो वर्दी युक्त महिलाओं युक्त जो महिलाएं हैं इनके लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, अभी अभी गृह मंत्रालय के द्वारा एक भारत के थानों की रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अच्छा थाना है अबरदीन पुलिस स्टेशन जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दूसरे नंबर पर भारत का सबसे अच्छा थाना है बालासिनोर थाना जो कि गुजरात का है और तीसरे नंबर पर भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन है अजक बुरहानपुर मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है, पहला सबसे साफ शहर है भारत का इंदौर। भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक लगाया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को अपराधों के बारे में सचेत करने के लिए शक्ति नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह कहा है अगर मध्य प्रदेश का कोई खिलाड़ी है तो अब उसको 5% का आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। मध्य प्रदेश का एक विश्वविद्यालय है जो कि इंदौर में है, इसका नाम है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। इसको नैक के द्वारा A+ ग्रेड की रेटिंग दी गई है और ये विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसको नैक के द्वारा A+ ग्रेड की रेटिंग दी गई है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है अभी अभी और मध्य प्रदेश राज्य में 3 विश्व धरोहर 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। कौन कौन सी? खजुराहो, सांची स्तूप और भीम बेटिका की गुफाएं। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। खजुराहो जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में है जिसको चंदेल शासकों ने बनवाया था, सांची स्तूप जो कि रायसेन जिला में है, भीम बेटका की गुफाएं ये भी रायसेन जिला में है, ये तीनों विश्व धरोहर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जीएसटी परिषद ने लॉटरी के लिए जीएसटी दर कितनी निश्चित की है। तो अगर आपकी जीएसटी लॉटरी लगती है, कहीं आपको लॉटरी के माध्यम से पैसा मिलता है तो उस पैसे पर आपको 28% यानी कि 28% टैक्स देना होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और अभी अभी जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक हुई है। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर है।
अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया अभी तक जीएसटी से, कि जीएसटी नंबर में टोटल डिजिट कितने होते हैं। तो जीएसटी नंबर में टोटल 15 डिजिट होते हैं, 15 डिजिट होते हैं, जिसमें से पहले जो दो डिजिट होते हैं ये उस राज्य का, ये उस राज्य का या उस स्टेट का कोड होता है। आगे के जो 10 डिजिट होते हैं उस नंबर से जो पैन अकाउंट लिंक होता है उस पैन नंबर होता है। तो ये आपको याद रखना है, जीएसटी में 15 डिजिट होते हैं जिसमें से पहले के दो जो डिजिट होते हैं उस राज्य का कोड होता है, आगे के जो 10 डिजिट होते हैं उस जीएसटी से लिंक्ड जो पैन अकाउंट नंबर होता है वो पैन नंबर होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्रीराम लागू का निधन हो गया, तो आपको बताना कि श्रीराम लागू जो थे ये एक प्रसिद्ध क्या थे। श्रीराम लागू जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, फिल्म निर्माता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं श्रीराम लागू, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है। तो इस साल जो अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है कांग्रेस के नेता शशि थरूर को। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि जो शशि थरूर हैं बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 दिया गया है कांग्रेस के नेता शशि थरूर को। इनकी पुस्तक एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इस पुस्तक के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। अब आपको यहाँ से इनकी तीन पुस्तकें याद रखना जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पहली यही पुस्तक है एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। दूसरी पुस्तक है व्हाई आई एम हिंदू। तीसरी पुस्तक है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। और चौथी पुस्तक है द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। ये चार पुस्तकें जो हैं शशि थरूर के द्वारा लिखी गई हैं और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ पे बात की गई है साहित्य अकेडमी पुरस्कार की। जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान है, जो कि टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में दिया गया शशि थरूर को और हिंदी भाषा में इस साल दिया गया है नंद किशोर आचार्य को, इनके द्वारा लिखित पुस्तक चिल्लाते हुए अपने को, इस पुस्तक के लिए इनको दिया गया है हिंदी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे कब मनाया गया। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार संचार के लिए कौन सी सुरक्षित मैसेजिंग ऐप विकसित कर रही है। तो केंद्र सरकार ने अभी अभी जानकारी दी है कि जिस प्रकार से व्हाट्सएप और टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप हैं, इसी प्रकार से केंद्र सरकार एक खुद का ऐप बना रही है जिसका नाम होगा GIMS। GIMS का पूरा नाम है गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम GIMS नाम का केंद्र सरकार एक खुद मैसेजिंग ऐप बना रही है जो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम की भांति काम करेगा, जिसका उपयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा सारे जितने भी सरकारी संगठन हैं उनके कर्मचारी करेंगे। क्योंकि जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम है ये विदेशी कंपनियां हैं, इनका जो डेटा होता है दूसरे देशों में होता है और कभी कभी ये हैक भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सरकारी डेटा है रिवील हो जाता है और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही खतरा होता है। तो इसी खतरे से बचने के लिए सरकार अपना खुद का मैसेजिंग ऐप लॉन्च कर रही है जिसका नाम होगा GIMS, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। जिस प्रकार से सरकार ने खुद का एक पेमेंट ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था भीम, भीम का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से लिया गया था। जो भीम ऐप है ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI पे काम करता है और ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। जिस प्रकार से आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से भीम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि UPI पे वर्क करता है। इसी प्रकार से GIMS नाम का गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया जाएगा मैसेजिंग के लिए।
क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज की स्थापना की घोषणा किस देश ने की है? तो गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज नाम की जो अवार्ड है, इसकी स्थापना की जाएगी पुर्तगाल देश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो पुर्तगाल देश है, ये गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज जो है, गांधी जी के आदर्शों के बढ़ावा के करने वाले लोगों को दिया जाएगा। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है। अभी अभी IIT खड़गपुर और IIT गांधीनगर ने अनाउंस किया है कि एक गांधीपीडिया नाम की ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे, जहां पर गांधी जी से रिलेटेड सभी उनके स्पीच, उनकी पुस्तकें तथा उनके कोट्स संग्रहित किए जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। गांधीपीडिया का निर्माण करेंगे IIT खड़गपुर और IIT गांधीनगर, और गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज नाम का जो अवार्ड है, इसको बनाया गया है पुर्तगाल देश के द्वारा। पुर्तगाल देश जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की मुद्रा है यूरो, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्टा। अब आपको पुर्तगाल से दो व्यक्तियों के नाम याद रखना है। पहला है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि संयुक्त राष्ट्र के हेड हैं। दूसरे व्यक्ति हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों जो व्यक्ति हैं पुर्तगाल देश से हैं। जो भारत में पहला समुद्री संग्रहालय बन रहा है गुजरात के लोथन में, इसको बनाने में भारत की मदद करेगा पुर्तगाल देश। इसके अलावा भारत में आने वाले यूरोपियंस में सबसे पहले यूरोपियंस थे पुर्तगाली। जो वास्को डिगामा था, ये भी पुर्तगाल देश से था, जो कि 1498 में केरल के तट पर आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, NSF के अनुसार विश्व में मैगजीन लेख प्रकाशित करने वैज्ञानिक लेख प्रकाशित करने के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो जो वैज्ञानिक लेख लिखे जाते हैं, इनको लिखने में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर है अमेरिका, और तीसरे नंबर पर है भारत। NSF का पूरा फुल फॉर्म है US नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो US नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार भारत पूरी दुनिया में वैज्ञानिक लेख लिखने में, वैज्ञानिक जो शोध पर आधारित लेख होते हैं, इनको लिखने में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है चीन। चीन के द्वारा 2018 में 528,263 वैज्ञानिक लेख लिखे गए। अमेरिका के द्वारा 2018 में 422,808 लेख लिखे गए, और भारत से 2018 में टोटल 135,788 वैज्ञानिक लेख लिखे गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को किस संस्करण में जारी किया गया है? तो जो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक है, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में लिखा था। अब इसका एक दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है, दूसरा एडिशन लॉन्च किया गया है, जो कि है ब्रेल संस्करण, और इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री थावर चंद्र गहलोत के द्वारा। तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक है, जो कि स्कूली बच्चों से रिलेटेड है, इसको इसका नया संस्करण लॉन्च किया गया है ब्रेल संस्करण, किसके द्वारा? थावर चंद्र गहलोत के द्वारा। अब हम जान लेते हैं कि ब्रेल क्या होता है। तो ब्रेल एक पद्धति है, एक सिस्टम है लिखने का, जो कि दृष्टिबाधित, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, उनके लिए होती है। ब्रेल की सहायता से जो विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि दृष्टिबाधित लोग होते हैं, वो छू कर उसको पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है ब्रेल पद्धति। जो ब्रेल पद्धति है, इसका आविष्कार किया था, इसको खोजा था फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल के ही नाम पर 4 जनवरी को हर साल मनाया जाता है पूरी दुनिया में विश्व ब्रेल दिवस। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को पूरी दुनिया में लुइस ब्रेल के जन्म दिवस के रूप में, जिन्होंने ब्रेल भाषा को, ब्रेल पद्धति का आविष्कार किया था, जो कि नेत्रहीनों के पढ़ने लिखने की एक भाषा है, एक सिस्टम है, एक पद्धति है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय फुटबॉल टीम जो है इसकी अभी अभी फीफा में रैंकिंग जारी की गई, तो आपको बताना है कि जो भारतीय फुटबॉल टीम है इसकी पूरी दुनिया में फीफा में रैंक क्या है, तो भारत की रैंक का ही पूरी दुनिया में 108, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और फीफा रैंकिंग में पूरी दुनिया में नंबर वन देश है बेल्जियम। फीफा जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टियानो इन्फेंटिनो और फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। 2018 में खेला गया था पुरुष फीफा विश्व कप रूस देश में, जिसको जीत लिया था फ्रांस ने। 2022 में खेला जाएगा कतर में। 2026 में फीफा पुरुष विश्व कप खेला जाएगा कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, तीन देशों में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2019 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया, तो उत्तर होगा कतर में। और 2020 में भी फीफा क्लब वर्ल्ड कप खेला जाएगा कतर देश में। 2019 में फीफा महिला विश्व कप भी खेला गया फ्रांस देश में, जिसको जीत लिया था अमेरिका ने। और एक बात आपको ध्यान रखना है, जो 2020 का अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप है ये खेला जाएगा भारत देश में, और 2019 में अंडर 17 फीफा पुरुष विश्व कप खेला गया है ब्राजील देश में। इस साल जो फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जल साथी कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और आप जब भी क्वेश्चन लिखा करें तो उसके साथ जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको जरूर मेंशन किया करो। तो अब आज के बाद से आपको डेली हमारी वेबसाइट saraagyan.com पे विजिट करना है, और यहाँ से हमारी जितनी भी मैगजीन हैं उनको डाउनलोड करना है। साथ ही साथ जो हमारे PDF हैं यहाँ पर अपलोडेड हैं उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी से जुड़े नहीं, तो इससे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर एग्जाम वॉचिंग एग्जाम फॉरम।